दिग्विजय सिंह की, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो ट्वीट हो, बयान हो या फिर उनका कोई फॉर्म हो। दिग्विजय सिंह भले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हों, लेकिन उनकी चर्चा अभी बनी हुई है। अब उनके एक ताजा ट्वीट के मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवा, जाके कुछ न चाहिए वे साहन के साथ। इस दोहे का अर्थ होता है कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की कोई चाह है, ना कोई चिंता है, और मन तो बिल्कुल बेपरवाह है। ये फकीरों की बात है, लेकिन राजनीति में इसका क्या मतलब है? रहीमन ने जब ये लिखा होगा तो बहुत सोच समझ कर लिखा होगा, और आज दिग्विजय सिंह ने इसे ट्वीट किया है तो बिल्कुल सोच समझ कर किया होगा। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट से लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने का दर्द है या कुछ और है, क्योंकि शुक्रवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरने की सहमति दी थी तो दिग्विजय सिंह इस रेस से हट गए थे। अब जरा इसे मैं और ज्यादा समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसमें एक दर्शन है और दर्शन के साथ दर्द है या एक मैसेज है या फिर वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। मैं जरा शरद जी आपसे लगातार इस मुद्दे पर हम बातचीत अब करें, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत जड़ बुद्धि के समझ नहीं आती, क्योंकि उनका ये एक मैसेज, इस मैसेज में कई सारे मैसेज हैं। मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा कि बतौर पत्रकार आप इसे कैसे समझते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी दार्शनिक उक्ति का सहारा लेकर अपने मन की बात को कहने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं कुछ पीड़ा का तत्व भी या खुद अपने को समझाने की एक कोशिश भी नजर आती है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा हुआ बेपरवाह, ये रहीम जब कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जब किसी चीज की इच्छा नहीं है आपके मन में तो आपकी चाहत ही जब समाप्त हो जाती है तो चिंता समाप्त हो जाती है। चिंता काहे की थी? चिंता जाहिर है एक बड़ी जिम्मेदारी की थी दिग्विजय सिंह जी को, जो मिलने वाली थी या मिल सकती थी, और फिर उन्होंने कहा कि जब ये दोनों ही समाप्त हो गए, अब ना चाहत है ना चिंता है, तो मनवा बेपरवाह है, और मनवा बेपरवाह है तो हम शाहन के शाह हैं, यानी कि मेरे को किसी अध्यक्ष पद के ताज की क्या जरूरत है, मैं तो वैसा ही राजाओं का राजा हूं, संयोग से वो दिग्गी राजा उनका प्रिय संबोधन भी है। तो ये कहकर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी एक मानसिक रूप से प्रवेश कर गए थे उस सर्वोच्च पद के लिए, जो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होता है, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है कि वो अपने जीवन में जिस पार्टी से अपना सफर आरंभ करे एक युवा के तौर पर, और उम्र के चौथे पड़ाव में उसी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो सामने आए, तो इससे ये तो लगता है कि वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो गए थे। और अचानक जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, राजनीति के समीकरण यही है, जैसी वो कहावत है कि बहुत सारे प्याला लब तक आए, अंग्रेजी में जो कहते हैं, तो देर आर टू मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, बहुत सारी फिसलन होती है जब तक प्याला आपकी लब तक आता है सिर्फ राजनीति में। तो दिग्विजय सिंह जी भी शायद उसी का एक उदाहरण बने कि जब ये अचानक तय हुआ कि G23 के जो नेता हैं वो दिग्विजय सिंह जी के नाम पर अड़े हैं और एक व्यापक विरोध भी सामने आ सकता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उनसे बातचीत में सहमति बनी, जैसा हमने आनंद शर्मा जी को देखा, मनीष तिवारी को देखा कि वो खुद सामने आए समर्थन में मल्लिकार्जुन खड़गे के, तो ये उनके मन की कहीं एक पीड़ा की अभिव्यक्ति थी जो सामने आई। विजय जी, और इस पीड़ा के बाद उनके मन की चिंता मिट गई होगी। मन की चिंता अगर मिटी है तो अब वो अपनी आगे की राजनीति किस शहंशाह को फॉलो करके करेंगे, या फिर वो जिस तरह से जीते आए हैं, बोलते आए हैं, बात करते आए हैं, बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, ये भी एक आगे नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।